हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो संविधान की आठवीं अनुसूची है, उस आठवीं अनुसूची में कुछ भाषाएं जोड़ी जाती हैं संविधान संशोधन के तहत। तो वह किस टाइम पर और किस संविधान संशोधन के तहत वो भाषाएं जोड़ी गई हैं, आज उन पर हम बात करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको तैयार करना बहुत जरूरी है। तो बात करेंगे कि आठवीं अनुसूची में, चूंकि आप जानते हैं कि जो हमारा संविधान है उस संविधान में टोटल इस समय प्रेजेंट में 12 अनुसूचियाँ हैं। वैसे आप देखेंगे तो शुरुआती में यानी मूल संविधान जो है उसमें मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी। आठवीं अनुसूची में टोटल इस समय प्रेजेंट में 22 भाषाओं का उल्लेख है। वैसे आप देखेंगे तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी। लेकिन आगे चल करके संविधान संशोधन होता है और संविधान संशोधन करके टोटल 8 भाषाएं और जोड़ दी जाती हैं, जिसके तहत टोटल 22 भाषाएं हो जाती हैं। तो आज उन्हीं पर हम बात करेंगे कि आखिर वह कौन कौन सी भाषा थी जो संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो आइए हम बात करते हैं। पहले आप देखिए, सिंधी कौम ने BDMS किया, ये एक सेंटेंस है, इसके थ्रू आप पूरी भाषाएं आपको इजीली याद हो जाएगा। तो सिंधी कौम ने BDMS किया, में किया जो है ये साइलेंस है, इसका कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सिंधी से सिंधी भाषा है और सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में यानी 1967 में, जिसके तहत संविधान के आठवीं अनुसूची में जोड़ी जाती है। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। कब? तो 1967 में। किस संविधान संशोधन के तहत? तो आप कहेंगे 21वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कौम ने। तो देखिए, क से कोंकणी हो गया, म से मणिपुरी और ने से नेपाली, ये तीन भाषाएं हैं जो कि 71वां संविधान संशोधन होता है। कब? 1992 में, यानी 1992 में एक संविधान संशोधन यानी 71वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत कोंकणी भाषा, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को हमारी संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे BDMS। तो BDMS से देखिए, बी से बोडो, डी से डोगरी, यम से मैथिली और यस से संथाली। यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये चार भाषाएं हैं दोस्तों। 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, जिसके तहत इन भाषाओं को हमारी संविधान के आठवीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, ये टोटल 8 भाषाएं, क्योंकि 14 मूल संविधान में थी, 8 ये जोड़ दी गई, इसीलिए इस समय प्रेजेंट में हमारे संविधान के आठवीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए, क्वेश्चन जब एग्जाम में बनेगा तो ये पूछेगा कि वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत संविधान के आठवीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। तो आप कहेंगे 21वां संविधान संशोधन। या ऐसे भी पूछ सकता है कि सन में जोड़ी गई, तो या ऐसे पूछेगा कि जैसे 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को किस सन में जोड़ा गया, तब कहेंगे 1967 में। तो क्वेश्चन जैसे मर्जी घुमा के पूछे, ऐसे पूछ सकता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो आप कहेंगे 14। पूछेगा प्रेजेंट टाइम में कितनी भाषाएं हैं, तो आप कहेंगे 22। भाषाओं का उल्लेख कहां मिलता है, तो आप कहेंगे हमारे संविधान के आठवीं अनुसूची में। ठीक है, इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे कर सकता है। तो देखिए, टोटल सिंधी 1 और ये कौम ने यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये हो गई 3 भाषा, और BDMS से ये हो गया 4 भाषा। तो 4 3 7 1 8, टोटल 8 भाषाएं संविधान संशोधन के तहत संविधान के आठवीं अनुसूची में जोड़ी जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आप देखेंगे एग्जाम में पूछा जाता है। ये छोटी टॉपिक है लेकिन बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे अपने दिमाग में एकदम इनकल्केट कर लीजिए। चलिए, आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।